सभी शिक्षण संस्थाओं में 11 से 17 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य। कर्नाटक सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में 11 से 17 अगस्त तक 6 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है। शिक्षा एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के आवासों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान झारखंड में हुई क्रॉस वोटिंग बीजेपी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान झारखंड में कई कांग्रेस विधायकों को एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे भाजपा का सफेद झूठ करार दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इसे भाजपा की ओर से गलत बयानी बताई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सभी 17 विधायकों ने पार्टी के निर्णय के अनुसार विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को वोट किया है। जगतगुरु परमहंस शुद्धिकरण करने पहुंचे लुलु मॉल। लुलु मॉल में नमाज की जगह शुद्धिकरण करने पहुंचे जगतगुरु परमहंस। लखनऊ पुलिस और जगतगुरु परमहंस के बीच जवानी विवाद, जगतगुरु परमहंस को अपने साथ लेकर गई पुलिस। लखनऊ लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ाई गई। लुलु मॉल पहुंचे जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया। दोनों अधिकारियों ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। ड्रोन कैमरे से हो रही अराजक तत्वों की निगरानी। दोनों गेट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। एंट्री पॉइंट मेन गेट से 50 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई। लालू परिवार को बर्बाद करने की साजिश। तेज प्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक पर कोर्ट में सुनवाई के बाद फेसबुक पर लाइव आकर तेज प्रताप ने कहा कि उनके ससुराल वाले उन्हें और उनके परिजन को कर रहे हैं परेशान। उनसे करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है। लालू परिवार को बर्बाद करने की है साजिश। चंचौड़ा में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस को टेंशन देने वाले। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ नगर परिषद चंचौड़ा पर भाजपा ने किया कब्जा। चंचौड़ा की 6 सीटों पर भाजपा, 4 पर निर्दलीय, वहीं सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। नीट की परीक्षा में सहमी लड़कियां। नीट की परीक्षा में जांच के दौरान केरल में लड़कियों की ब्रा उतरवाने की घटना कल सामने आई। यह घटना केरल के कोल्लम जिले के अयूर के एक निजी परीक्षा केंद्र पर हुई। इसी केंद्र पर परीक्षा दे रही एक लड़की ने बताया कि चूंकि वह अपनी ब्रा हटाने के बाद खुद को ढकने के लिए कुछ भी जुगाड़ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने बालों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाले राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। डीएसपी को कुचलने वालों की पुलिस से मुठभेड़। हरियाणा के मेवात में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को गड्डम्पर से कुचलने वालों की पुलिस से मुठभेड़। जानकारी के अनुसार पुलिस से मुठभेड़ में एक को गोली लगी। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान इक्कर के रूप में हुई। गौरतलब है कि मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन रोकने के लिए एक इलाके पर अकेले ही पहुंच गए थे। इस दौरान आरोपियों ने डीएसपी के ऊपर डंपर चलाकर उनकी हत्या कर दी। सफदरजंग अस्पताल के 5 डॉक्टरों को काम से रोका। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सफदरजंग अस्पताल के बाहर हुए प्रसव मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की। अस्पताल पर गर्भवती को भर्ती नहीं करने का आरोप। महिला के परिजनों ने आरोप किया कि अस्पताल ने सोमवार को महिला को भर्ती नहीं किया और उसने आपातकालीन विभाग के बाहर रात बिताई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ऐसे आरोप से इनकार किया है। निर्माणाधीन पुल टूटा, 6 मजदूर घायल, 2 की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुल का शटरिंग पलटने से 2 मजदूरों की दबने से मौत, जबकि 6 मजदूर घायल। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ उस वक्त मौके पर करीब 40 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही DDRF, SDRF, फायर सर्विस एवं पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस इस मामले में जांच करने के बाद NH लोनेवी और कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। भाजपा नेता मैनेजर राय गिरफ्तार।
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद राकेश ओझा को ब्लैकमेल करने और रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को सुबह गोविंदपुर थाना की पुलिस ने आरोपी कोयला कारोबारी और भाजपा नेता परमेश्वर नाथ राय उर्फ मैनेजर राय को दबोचा। लिरिक्स राइटर जानी का कार एक्सीडेंट, पछताओगे फिलहाल तितलियां बारिश की जाए जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले स्टार लिरिक्स राइटर जानी जोहान का मोहाली सेक्टर 88 के पास कार एक्सीडेंट। मामले के बारे में पुलिस का कहना है कि क्योंकि दोनों ही गाड़ियां चौराहे पर नहीं रुकी, इसलिए दोनों गाड़ियों का हुआ एक्सीडेंट। 33 वर्षीय म्यूजिशियन और बाकी दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 विदेशों में होगी शूट। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म संघर्ष 2 को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार और निर्देशक पराग पाटिल ने बताया है कि फिल्म संघर्ष 2 की शूटिंग इसी महीने शुरू होने जा रही है। संघर्ष 2 की शूटिंग 4 लोकेशन पर की जाएगी। फिल्म को भारत के अलावा दुबई और थाईलैंड में शूट किया जाएगा। जहां तक भारत में शूटिंग का सवाल है तो इसे गुजरात और गोरखपुर में शूट करने का प्लान है। वाराणसी में 3 बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी UPCA का एक बड़ा सपना जल्द होगा साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI UPCA की करेगी मदद। वाराणसी में करीब 345 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। सुनील छेत्री पर बन रही सीरीज शूटिंग जारी। भारतीय नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को लेकर फीफा उनके शानदार करियर पर एक खास फिल्म बना रही है। भारत के लिए हालांकि वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना अभी तक सपना बना हुआ है, लेकिन छेत्री फीफा की एक सीरीज में दिखाई देंगे। भारतीय फुटबॉल के इस सूत्र ने कहा, यह फीफा की रीजनल कंटेंट पहल है जो उसने लॉन्च की है, इसलिए वैश्विक रूप से अगर कोई भारतीय फुटबॉल की बात करता है तो सुनील ही टॉप पर है। अमेरिकी महिला के साथ पाकिस्तान में गैंग रेप। पाकिस्तान से एक खौफनाक मामला सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक अमेरिकी महिला से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह उस समय हुआ जब महिला होटल में थी। एक रिपोर्ट में बताया गया, 21 साल की अमेरिकी महिला के साथ दो लोगों ने इस वारदात को बीते रविवार को अंजाम दिया। यह भी बताया गया कि महिला एक ब्लॉग बनाने के लिए वहां गई हुई थी। शेख हसीना ने ममता बनर्जी को भेजा खास न्योता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खास न्योता भेजा। शेख हसीना ने ममता को नवनिर्मित पद्मा ब्रिज देखने का न्योता दिया। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना की तरफ से कोलकाता को भेजे गए आमंत्रण पत्र में लिखा गया है कि मैं आपको अपनी सुविधा अनुसार बांग्लादेश आने के लिए आमंत्रित करती हूं। साथ ही उम्मीद है कि सितंबर में मेरे भारत दौरे के समय दिल्ली में आपके साथ मुलाकात का अवसर भी प्राप्त होगा। आगे यह भी लिखा गया है कि इस पुल से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। श्रीलंका के नेता ने की प्रधानमंत्री मोदी से भावुक अपील। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति चुनाव के बीच साजिद प्रेमदासा ने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया। इसी बीच उन्होंने अपने एक ट्वीट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की। दरअसल अपने एक ट्वीट में साजिद प्रेमदासा ने लिखा है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति जो कोई भी बने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों और वहां के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस आपदा से बाहर आने के लिए श्रीलंका और उसके लोगों की मदद करते रहें। यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने की तैयारी में रूस। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर अभी तक कोई आधिकारिक परिणाम सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग ने रूस पर यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की योजना बनाने का आरोप लगाया। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन के अधिक क्षेत्रों को खुद में शामिल करने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस इस मामले में यूक्रेन के नाजायज रूसी समर्थकों से जनमत संग्रह करने का दिखावा करेगा। ब्रिटेन में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज। ब्रिटेन के मौसम कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण इंग्लैंड के सरे के चार्लवुड में 39.1 सेल्सियस का रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया।
दक्षिणी इंग्लैंड में गैटविक हवाई अड्डे के पास स्थित चार्लवुड में दोपहर से पहले ही तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने ट्विटर पर कहा, अगर पुष्टि हुई तो यह ब्रिटेन में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाएगा। ब्रिटेन इस समय अभूतपूर्व तापमान की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।